राइट सॉरी, तो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि दे आर टू टाइप ऑफ इंटरेस्ट, एक है सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में भी से कि लेट्स से मैंने आज 1,000 इन्वेस्ट किया है और 1,000 इन्वेस्ट करने के बाद आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि इस 1,000 की 3 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हम जरा मैन्युअली इस पूरे सिस्टम को देख लेते हैं और फिर हम इसको फॉर्मूला की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, अब लेट्स से हम मैन्युअली अगर करते हैं तो क्या होगा, हमें ये पता है कि लेट्स से यहाँ पे 8% इंटरेस्ट है। अगर मैं ठीक एट है, परसेंट इंटरेस्ट लेता हूँ आप तो चार्ज एट, में अच्छा काइंडली अपना ये म्यूट रखिएगा, अननेसेसरी वो नॉइस आती रहेगी। अच्छा, आफ्टर 1 ईयर ये इस 1,000 का 8% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा और ये कितना होगा, 80 रुपीज, करेक्ट? आई होप आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी। यस सर, जी और जी सर, बस आवाज आ रही है। ये बस यस नो करते रहिएगा, ठीक है? अब ये 80 रुपीज मैंने कैसे कैलकुलेट की है, मैंने 1,000 का 8% लिया, दैट मीन्स मैंने 1,000 को मल्टीप्लाई कर दिया है विद 0.08, करेक्ट? 80% का मतलब है 0.08, तो मैंने पॉइंट सॉरी टू जीरो इंटरप्ट यू सर, जी मैम, सर आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर, विल इट बी 0? ओके, इट्स 0.08, राइट? एग्जैक्टली, ओके ओके एक्चुअल में ये मैंने क्लास में भी हाईलाइट किया था, हम जल्दी यस में 80% को 8%, वैसे तो 80% इज 8%, ठीक है, लेकिन हम 8% को भी कुछ लोग जल्दी से पॉइंट लाइक 8% ही सॉरी 0.8 लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग, ठीक है ना, वो जल्दी में लिखते हैं, आई नो दैट, लेकिन इस पर यस आपने याद है 0.08, जब मैं 0.08 करूंगा तो इट वुड बी 80। तो मैंने ये देखा कि पहले साल मुझे इस प्रिंसिपल अमाउंट पे जो मैंने इन्वेस्ट की है, मुझे पहले साल यहाँ पे 80 रुपीज एज इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल भी मुझे 80 रुपीज ही एज एन इंटरेस्ट मिलेगा, और इस पे भी मैं करूंगा यही कि वो जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है, वो जो मैंने 1,000 जमा कराया था, उस 1,000 के ऊपर मैं 0.08 या 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूँ, मीन्स मैं प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी दफा भी मैं यहाँ पे यही करूंगा और मेरे पास 80 रुपीज और आ जाएंगे, तीसरी दफा भी, तीसरे साल भी मुझे इस पे इंटरेस्ट मिलेगा और अगेन इट वुड बी 80। सो बेसिकली मैंने तीन दफा पी इंटू आई किया है, पी मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है और आई मेरे पास इंटरेस्ट रेट है, और तीन ये मेरे पास क्या है, ये जो 3 है इट इज एक्चुअली नंबर ऑफ इयर्स। तो अगर मैं इसको इन तीनों को यू मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, व्हाट डू यू थिंक, ये क्या चीज है? फ्यूचर वैल्यू नहीं, फ्यूचर वैल्यू नहीं है ये, एनीबॉडी एल्स? इंटरेस्ट सर, ये मेरे पास सिंपल टोटल हाँ, ये मेरे पास टोटल इंटरेस्ट आएगा, या सिंपल इंटरेस्ट जो मैंने कैलकुलेट किया है, 80 रुपीज प्लस 80 रुपीज प्लस 80 रुपीज, ये जो 240 रुपीज बने ना, ये मेरे पास आएगा इस तरह, लाइक प्रिंसिपल है 1,000 यहाँ पे, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, सॉरी मेरे पास माउस इस वक्त नहीं है तो मुझे बड़ा मसला आ रहा है, ओके माउस मेरा ऑफिस में रह गया आज। सो अगर मैं इसको 0.08 कर दूं एंड यहाँ पे इसको मैं 3 करूं, आप लोग अपने कैलकुलेटर साथ साथ यूज करते रहे ताकि एक दफा हाथ से कर लेंगे तो आपको याद रहेगी ये चीज। तो मैं अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं, 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये मेरे पास 240 बन जाता है। सर अब ये 240 बेसिकली मेरे पास इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस 240 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट सर, मुझे प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि जो मेरी ओरिजिनल अमाउंट थी 1,000 प्लस ये जो मैंने टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है ये वाला, ये दोनों को मैं ऐड करूंगा, मींस मैं 1,000 प्लस 240 को ऐड करूंगा तो मेरे पास फ्यूचर वैल्यू इसकी 1,240 आ जाएगी। किसी को ये बात समझ ना आई हो जी, सब अगर आप इसमें इंटरेस्ट आपका जी, इंटरेस्ट 240 है, इंटरेस्ट मेरे पास टू नहीं, फोर्टी नहीं सर, इसमें आपने इंटरेस्ट 8% रखा है ना? हाँ यहाँ पे 8% है, तो जी 80 जी पहले साल 80 आया इंटरेस्ट, दूसरे साल भी 80 आया और तीसरे साल भी 80 आया, तो 3 टाइम्स 80 बेसिकली ये 240 बन गया, करेक्ट? यस सर,
यस सर, और प्लस इसके अंदर जब मैं वो 1000 जो ओरिजिनल अमाउंट मेरी थी वो भी मुझे वापस करेंगे ऑब्वियसली, तो फ्यूचर वैल्यू जो है वो मेरे पास बन गई प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट। ऐसे ही है, किसी को अगर ये बात समझ रहा है? यस सर, यस सर। अच्छा, अब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? 1000। और इंटरेस्ट मैंने कैसे कैलकुलेट किया? इससे, इसके थ्रू कैलकुलेट किया ना? यस सर। प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय एन। ये सबको समझ आ गई जो बात अभी मैंने बोली? मैं इसको दोबारा yes, yes, तो सो मैं अगर ये कहूं मेरी फ्यूचर वैल्यू इट इज इक्वल टू व्हाट? फ्यूचर वैल्यू, सॉरी यार बगैर माउस के तो बहुत मसला है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, ओके नहीं हो सकता भाई इस तरह। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, टाइम नहीं कर सकते। अच्छा चले, कहता हूँ मैं आपको स्लाइड्स पे ले जाता हूँ। मैं तो ये चाह रहा था कि इसको बोर्ड के वो माउस के साथ बहुत अच्छा हो जाता है। एनीवेज, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ऐसा ही है? Yes, sir. Yes, और, yes. और इंटरेस्ट को हमने कैसे कैलकुलेट किया, कोई ये बता सकते हैं? इंटरेस्ट को हमने कैलकुलेट किया प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, है ना, नंबर ऑफ टाइम या नंबर ऑफ इयर्स। जी, ये सबको समझ आ गई? किसी को ये पॉइंट समझ आया ये मैंने कैसे निकाला? ओके, आई होप सबको समझ आ गई। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे इन दोनों में P कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे P कॉमन ले लिया एंड इस P की जगह यहाँ पे 1 बच गया प्लस बाकी हमारे पास बच गया I इंटू N। तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का वो है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस I इंटू N। ये मेरे पास फ्यूचर वैल्यू आती है किस केस में? सिंपल इंटरेस्ट के केस में। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर, यस सर। चलो, पी कॉमन ले लिया। हाँ, पी कॉमन लेकर मैंने कर लिया। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ हमारे पास आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम क्या करते हैं, हम इधर आते हैं और कंपाउंड में मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास 1000 है मैंने जो शुरू में लगाया, सॉरी अब मैं इसको खूबसूरतियों की तरफ नहीं जा रहा, तो यहाँ पे आप रखें 1 फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकंड ईयर के एंड पे एंड थर्ड ईयर के एंड पे। ये वाली चीज मैं आपको अभी स्लाइड से ही समझाऊंगा, बिकॉज इतना ज्यादा लिखना जो है ना वो मेरे लिए थोड़ा सा मसला हो रहा है, मेरे पास माउस नहीं है। अच्छा, ये जितनी भी डेरिवेशन थी ये यही है जो हमने अभी की है, और एंड पे हमारे पास ये नीचे जो आपके पास ब्लू कलर में चीज लिखी हुई आई है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस आर इंटू टी। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं दूसरी, आपकी आवाज कट रही है, बाकियों को भी मेरे उसका मसला आ रहा है? नहीं, फॉर मी इट्स क्लियर। ओके, ये जिनका, हाँ जिनका इंटरनेट स्लो है ये एक्चुअल में प्रॉब्लम वहां पे आता है, काइंडली चेक करें। दोबारा रिपीट कर दें जो आपने बोला है आवाज। अच्छा अच्छा, मैंने ये कहा था कि ये जो फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला है ये आपने देख लिया हुआ, हमने कैलकुलेट किया अभी जो थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे नीचे लिखा हुआ है ना? जी 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 जी, बस बस बस, मैंने यही कहा था। ओके, अब हम आगे आते हैं और इसमें देखते हैं अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइए। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट केस में पहले साल के एंड पे इस 1000 का, लेट से मैं 10% ले रहा हूं, अभी मेरे क्वेश्चन के अंदर 10% है, इस 1000 का 10% कितना होगा? 100? 0.10, हाँ, मतलब 1000 into 0.1 which is 100, है ना? तो पहले साल पे मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 100, करेक्ट? 100। अच्छा, yes, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम क्या करते हैं कि इसी स्टेज पे हम प्रिंसिपल अमाउंट में इस इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हमने ये नहीं किया था, सिंपल इंटरेस्ट में हमने ये कहा था कि यार अगर यहाँ पे 100 इंटरेस्ट आया है, अगली दफा भी 100 इंटरेस्ट आएगा, उससे अगली दफा भी 100 इंटरेस्ट आएगा एंड सो ऑन, और आखिर पे हम प्रिंसिपल अमाउंट को उन तीनों इंटरेस्ट के साथ ऐड कर लेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में व्हाट वी डू, हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और फिर उस इंटरेस्ट अमाउंट को जो कि 100 आया, मुझे 100 रुपीज इस 1000 पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इसको मैं अपनी प्रिंसिपल में ऐड कर लूंगा और मैं ये कहूंगा कि यार अब मेरी अमाउंट 1100 बन गई।
तो अब मेरे पास जो बैंक में लेट से पड़ा हुआ था 1000, वो 1000 नहीं रहा बल्कि वो 1100 कंसीडर होगा। नेक्स्ट ईयर जब मैं 100 फिर वही 10% इंटरेस्ट लूंगा तो अब मैं 1000 पे नहीं लूंगा बल्कि इस एडेड वैल्यू पे लगाऊंगा। क्लियर है ये बात? 1100 पे लगाऊंगा। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वही कैलकुलेशन करूंगा लेकिन इस दफा मैंने 10% 1100 का लिया है। यहाँ पे मैंने 0.1 का सॉरी इस 1000 का नहीं लिया, 1100 का जब मैं 0.1 लेता हूं तो इस दफा मुझे इंटरेस्ट 100 नहीं मिला बल्कि इंटरेस्ट 110 मिला। तो बिल्कुल उसी तरह अब मैं अपने इस 1100 में ये वाली अमाउंट 110 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये अब मेरे पास बन गया 1210। ये मैंने 1100 ये जो मेरे बैंक में पड़ा हुआ था उसमें इंटरेस्ट ऐड किया और ये इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं है बल्कि ये इंटरेस्ट मैंने इस अमाउंट पे किया जो पहले साल के एंड पे थी। देन अगेन थर्ड ईयर में मैं जब जाता हूं तो थर्ड ईयर में अब मैं अगेन 1000 पे नहीं कैलकुलेट करूंगा, मैं अपने 1210 पे ही वही 10% लगाऊंगा और इस दफा मेरे पास इंटरेस्ट 100 भी नहीं आया, मेरे पास इंटरेस्ट 110 भी नहीं आया, मेरे पास इंटरेस्ट 121 बन गया। तो अब आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो मेरा इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। और वो क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट पे मैं नहीं ले रहा, मेरी जो टोटल अमाउंट है वो भी बढ़ती जा रही है। तो अब मैं अब 121 के अंदर ये वाले जो है ना 1210 भी ऐड कर दूंगा और मैं कहूंगा कि 3 साल के बाद मेरे पास जो फ्यूचर वैल्यू आई है वो 1331 आई है। यहां तक अगर किसी को नहीं समझ आया तो यू कैन टेल मी। आगे सर। ओके फाइन, आप लोगों ने मुझे खुद सर, सर, सर मुझे एक दफा फिर से बता दे सर। अच्छा, आपको प्रिंसिपल सॉरी वो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो समझ आ गया था? वो जी सर, यस सर, वो आ गया था। अच्छा, उसमें हम ये करते थे कि हर दफा इसी 1000 का 10% या 8% जितना भी हमारा वो रेट था उस रेट के मुताबिक इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, ऐसा ही है ना? यस सर। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं करते, इसमें हम ये करते हैं कि पहली दफा तो हमने इस अमाउंट पे प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट किया और वो आ गया मेरे पास 100, लेकिन अब मैंने इस 100 के अंदर अपनी प्रिंसिपल अमाउंट यहीं पे जमा करा दी, ऐड कर दी। तो अब मेरी जो बैंक में अमाउंट पड़ी हुई है वो 1100 हो गई है, मैं उसको 1000 नहीं गिनूंगा। यस सर। तो अगली दफा जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा वो इंटरेस्ट मैं 1000 पे नहीं कर रहा जैसे सिंपल इंटरेस्ट में किया था बल्कि इस 1100 पे कर रहा। जब मैं 1100 का 10% लूंगा तो वो 110 बन गया। यस सर। एंड अगेन अब मैं इस 110 को अपनी इस अमाउंट में ऐड कर दूंगा 1100 जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो अब मेरे पास बन गई 1210। यस सर। अच्छा, अब फिर उसी तरह मैं अगेन ये ना 1000 पे इसको 10% लूंगा ना 1100 पे लूंगा, मैं उस अमाउंट पे लूंगा जो मेरे पास पड़ी हुई है एंड इट वुड बी 1210। अब मैं इस 1210 का जब 10% लेता हूं तो वो 121 है। ठीक है, और ये 121 मैं ऐड कर रहा हूं अपने 1210 में, तो आखिर पे 3 साल के बाद मेरे पास जो वो बना है टोटल फ्यूचर वैल्यू इस 1000 की वो बन गई है 1331। यस सर। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं ना वो एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। अगर मैं इसी को सिंपल